बजे की 5 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। पहली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां गिरफ्तार 2 आतंकियों के 3 मददगारों ने एटीएस के सामने कई अहम खुलासे किए। दूसरी बड़ी खबर आजम खान की बढ़ती मुसीबतों की, सपा सरकार के समय जल निगम में 1300 पदों पर भर्ती घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आजम खान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19 जुलाई को उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। तीसरी बड़ी खबर यूपी में फोकस टेस्टिंग का है, जहां 10 दिवसीय विशेष अभियान शुरू हो रहा है, जहां ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 5-5 दिन नमूने लिए जाएंगे, जिससे यूपी में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का पता लगाया जाएगा। चौथी बड़ी खबर सीएम के निर्देश की है, जिसके मुताबिक अब अफसरों को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक दफ्तर में रहना ही होगा। पांचवी बड़ी खबर आगरा में 18 किलो सोने की महालूट, जहां पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 लुटेरे पकड़े गए हैं, ऐसी खबर है। आगरा से आई बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां सोना लूटकर भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ अभी भी चल रही है। खबर यह मिल रही है कि मणिपुरम गोल्ड के ऑफिस के बाहर दिन दहाड़े डकैती की यह वारदात सामने आती है, जहां पुलिस ने 2 बदमाशों को थाना एतमादपुर इलाके में मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, और आपको बताएं मणिपुरम गोल्ड लोन ऑफिस के बाहर इन्होंने 18 किलो सोना लूटा था, और सिर्फ 18 किलो सोना ही नहीं 5 लाख कैश भी था। मणिपुरम गोल्ड लोन का ऑफिस, यहां इन बदमाशों ने धावा बोला। 4 हथियारबंद बदमाश थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, और अब एसपी सिटी सहित कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है। कमला नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जिसकी तस्वीरें देख रहे हैं आप। देखिए बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा लगाइए आप। सीसीटीवी की ये फुटेज जो बताने के लिए काफी है। तो मणिपुरम बैंक गोल्ड लोन बैंक है, जहां पर सोने के एवज में लोन दिया जाता है, तो जाहिर तौर पर यहां अच्छा खासा सोना होता है। इसीलिए इस ऑफिस को निशाना बनाया इन बदमाशों ने, और देखिए कितने शातिर तरीके से इसे अंजाम दिया जाता है। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय का, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नितिन, कहाँ हैं आप और किस तरीके की अभी ताजा अपडेट आपके पास है, बताइए जरा दर्शकों को। देखिए करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर जहां ये घटना हुई है कमला नगर से, वहां से थाना एतमादपुर क्षेत्र में जो कस्बा है एतमादपुर, उसके खंदौली रोड पे 2 घंटे के लूट की जो डकैती की 2 घंटे घटना के बाद पुलिस ने जिस तरीके से बहुत ही शानदार काम करते हुए 2 बदमाशों को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। आप देख सकते हैं ये एतमादपुर कस्बा है, खंदौली रोड है, और उस पर इसी जगह आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से आप देख सकते हैं जो बैरिकेड किया गया है पूरी तरह से, ये वो स्पॉट है, एनकाउंटर साइट है। यहाँ गोली लगी है, बाइक पर 2 बदमाश बताए जा रहे थे, जो वहाँ से जब जो डकैती हुई पड़ी है वहाँ से बैग लेकर गोल्ड से भरा हुआ यहीं पहुँचे हुए थे, और उसी समय जो चूँकि पूरे शहर की पूरे ज़िले की नाकेबंदी कर दी गई थी लगातार, पूरे जो जितने भी 43-44 थाने हैं और वहाँ चेकिंग अभियान शुरू हो गया था, और लगातार पुलिस की कई सारी टीमें इसमें जुट गई थी, और ऐसे में जानकारी मिली कि जो बदमाश हैं वो वहाँ से कमला नगर इलाके से भागते हुए NH2 के जरिए यहाँ पहुँचे, और ऐसे में पुलिस ने यहाँ घेराबंदी की, उनको रोका और 2 बदमाशों को यहाँ उनको एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है। आप देखते हैं कि तमाम जो आला अधिकारी इस समय मौके पर हैं, SP ईस्ट अशोक वेंकट यहाँ नज़र आ रहे हैं, SP वेस्ट यहाँ सत्यजीत गुप्ता नज़र आ रहे हैं, इसके साथ ही खुद मौके पर ADG जोन राजीव कृष्णा, उन्होंने खुद वहाँ उसका मुआयना किया, और उन्होंने इशारे दे दिए थे कि हमें बहुत ऐसे अहम लीड मिली है, हम जल्द ही इस घटनाक्रम का खुलासा कर देंगे। तो आप समझ सकते हैं पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। इसमें लूट हो रही है, पुलिस को सूचना कब मिली, कितने वक्त में नाकेबंदी कर दी गई, और ये सारा ऑपरेशन हमारे सामने है, जरा समझाइए। देखिए देखिए टाइमलाइन की बात की जाए तो जो घटनाक्रम बताया जा रहा है, 1:30 से 2 बजे के बीच मणिपुरम गोल्ड लोन का जो ऑफिस है, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर केरला है, और बताया जाता है कि बड़े स्तर पर कई सारे जो लोग हैं अपना सोना रखते हैं और उसके बदले पैसे लेते हैं, 2-व्हीलर 4-व्हीलर का लोन उस ऑफिस से दिया जाता है। इसके अलावा कई तरह की जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं वो वहाँ से चलती हैं।
बताया जा रहा है कि 6 जो हथियारबंद बदमाश अंदर पहुंचते हैं, 4 लोग उस समय वहां उस फाइनेंस कंपनी में मौजूद थे और जो बैंक मैनेजर विजय कुमार समेत सभी को हथियारों के बल पर ओवर पावर करते हैं और उसके बाद थोड़ी देर वो नॉर्मल पूछ बात करते हैं कि मुझे गोल्ड लोन लेना है तमाम चीज़ें, और जो तमाम जो उनके एग्जीक्यूटिव थे वो जानकारी देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने कहा जाए जो पूरा जिस तरह से जो बदमाश है अपनी हरकतों पर उतर आते हैं और उसके बाद हथियारों के बल पे वो जो गोल्ड जमा हुआ था उसको लेकर पूरी तरह से उनको एक तरफ बंद करके पूरा जो सोना है उसे लूट लेते हैं। और उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसमें दिख रहा है किस तरीके से बहुत ईजिली, ताकि किसी को इस बात का शक ना हो कि कोई भी एक्टिविटीज अंदर हुई है, और उसके बाद और 4 बदमाश एक तरफ चले जाते हैं, 2 बदमाश दूसरी तरफ चले जाते हैं, और जैसे ही पुलिस को जानकारी होती है एसपी सिटी सबसे पहले मौके पर पहुंचते हैं, कई थानों का फोर्स पहुंचता है, और उसके बाद मौके पर एसएसपी पहुंचते हैं, आईजी पहुंचते हैं, एडीजी, और उसके साथ ही पूरे जिले की नाकेबंदी शुरू कर दी जाती है, लगातार चेकिंग अभियान शुरू चलता है। देखिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ से सामने ही मेडिकल स्टोर है और उसका एक युवक लगातार वहाँ रोमिंग कर रहा था, और वहाँ से जब पुलिस को शक हुआ तो एक युवक को उठाया है, और उसके साथ ही लगातार ऐसे कौन लोग हैं बिल्कुल आगरा पुलिस ने जिस तरीके से मुस्तैदी दिखाई है और जिस तरीके से घेरेबंदी की है ये वाकई काबिले तारीफ है कि लूट होती है और इसके साथ ही जो अपराधी हैं जो बदमाश हैं वो पुलिस के गिरफ्त में होते हैं और पूरा सोना और पैसा भी रिकवर हो जाता है। आपका शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरों के लिए। बात कर लेते हैं पीलीभीत की, जहां शारदा सागर बांध से निकली शारदा नदी के बहाव में स्टंट की तस्वीरें सामने आई हैं। जानलेवा साबित हो सकते हैं स्टंट। आपको दिखाएं कि किस तरीके से एक के बाद एक कई युवक जिसमें कई नाबालिग भी शामिल हैं इस उफनाती नदी में कूद रहे हैं बड़ी लापरवाही के साथ। ना तो नहर विभाग ना ही सिंचाई विभाग, किसी को इस बात की जानकारी नहीं है। बहती धारा के बीच ये स्टंट जानलेवा साबित होता है। हम आए दिन ऐसी खबरें भी बताते हैं दिखाते हैं, लेकिन क्या ये न्योता नहीं है किसी अनहोनी का, जहां कई नाबालिग और युवक इस तरीके से छलांग लगा रहे हैं। देखिए और जितनी तेज धारा है इस बीच बहाव के साथ तैर नहीं पाए, कोई अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। पीलीभीत की तस्वीरें, शारदा नहर है ये, और देखिए बहाव देखिए रफ्तार देखिए, इस बीच जिस तरीके से इसे पार करने की कोशिश की जा रही है बहाव के इतर, क्योंकि पानी का बहाव सीधा दिखाई दे रहा है और इस नहर को पार करने की कोशिश करते दिख रहे हैं ये बच्चे जिसमें कुछ नाबालिग बताए जा रहे हैं और युवक, ये देखिए किस तरीके से छलांग लगाई जा रही है और इस बात की भनक किसी को नहीं, और यहाँ पर किसी भी तरीके की सुविधा नहीं होगी। अगर कोई अनहोनी होता है तो कौन किसको बुलाएगा और कैसे इनकी जान बचाएगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं। खाकी का ऐसा भावुक अंदाज इससे पहले शायद ही आपने कभी देखा हो। वाराणसी से तस्वीरें आई हैं जहां चौकी प्रभारी के ट्रांसफर के बाद विदाई समारोह में दीवान साहब ऐसे भावुक हुए कि पूछे ही मत। मौके पर ही चौकी प्रभारी को गले लगा लिया और रोने लगे। फिर क्या वीडियो बन रही थी और जनाब का ये वीडियो वायरल भी हो गया। मामला रामनगर थाना क्षेत्र के सुजाबाद चौकी का है, देखिए आप। देख रहे हैं आप, ये जिस तरीके से लिपट कर रो रहे हैं, भावनाओं को बिल्कुल काबू में नहीं रख पा रहे हैं। जैसे बेटी की विदाई में लोगों को रोते आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ पर मामला अलग है। चौकी प्रभारी का ट्रांसफर हुआ और दीवान साहब फूट फूट कर रोए। सपा सरकार के समय जल निगम में 1300 पदों पर हुई भर्ती घोटाले में आजम खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इस मामले में आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने सांसद आजम खान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। विशेष जज मनोज पांडे ने जेल के वरिष्ठ अधीक्षक को निर्देश दे दिया है कि तय तारीख पर सुबह 11 बजे उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित कराएं।
मिशन 2022 के लिए यूपी दौरे पर आई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज दूसरे दिन लखीमपुर खीरी पहुंची, जहां उन्होंने सिमरा घाट पहुंचकर पंचायत चुनाव नामांकन के दौरान अभद्रता और बदसलूकी की शिकार महिला प्रत्याशी और उसके प्रस्तावक से मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि जहां जहां लोगों को नामांकन से रोका गया है या फिर उनके साथ अभद्रता हुई है वहां के चुनाव रद्द होने चाहिए। यही नहीं, प्रियंका जिला प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहती हैं कि नामांकन के समय अत्याचार होता रहा और किसी ने रोका तक नहीं। तो लखीमपुर खीरी में पीड़ित महिलाओं से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा, निशाने पर लिया, कहा कि जहां जहां चुनाव में ऐसी हिंसा हुई है, अभद्रता हुई है, वहां के चुनाव रद्द हो जाने चाहिए। और ये स्थिति आपने बना दी है कि महिला अपना नामांकन भरने जाए और आप उसकी पिटाई करके उसको वहां से मतलब नामांकन भी नहीं भरने देंगे? ये तो लोकतंत्र नहीं है ना। सामाजिक मांग करती हूँ कि यहाँ का चुनाव रद्द किया जाए, दोबारा से चुनाव हो यहाँ। ये है हमारा लोकतंत्र आज, तो हमें ये पूछने की जरूरत है, आप लोगों को सवाल उठाने चाहिए। पूरा वीडियो है, बाकायदा सब कुछ दिख रहा है कि क्या हुआ है इनके साथ, किस तरह से पीटा गया है, किस तरह से प्रशासन खड़ा है मौन, किस तरह से पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे हैं, एक आध कर रहा है मदद, बाकी सारे खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ के कहे हैं कि बधाई दी है पंचायत के चुनाव के लिए, और हर जिले में कुछ ना कुछ हुआ, कहीं हिंसा हुई है, कहीं बम फूटे हैं, कहीं पे गोली लगी है, कहीं पे मारपीट हुई है, कहीं पे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। आइए अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी के दौरान उन दो पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की जिनसे ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नामांकन के दौरान अभद्रता की गई थी, जिनमें से एक महिला प्रत्याशी जबकि दूसरी उसकी प्रस्तावक है। वहीं दूसरी तस्वीर उस दिन की है जब ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के समय इन्हीं दोनों महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, राह चलते हुए इनकी साड़ी को खींचकर इन्हें रोकने की कोशिश की गई, हाथ से इनका पर्चा छीन लिया गया और ये वीडियो वायरल है जहां सीधे तौर पे इन महिलाओं के साथ अभद्रता हुई। लेकिन इन महिलाओं के साथ प्रियंका गांधी आज नजर आ रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से जेवर एयरपोर्ट की प्रेजेंटेशन को देखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद एयरपोर्ट का काम जारी है, ये एयरपोर्ट यूपी के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सीएम ने यह भी कहा कि जेवर एयरपोर्ट एक सपना था, उसका काम बिना विवाद के बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसके बनने से विकास का नया रास्ता खुलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक पिछले 4 सालों में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है, कनेक्टिविटी को बेहतर करने पर हमारा फोकस रहा है। 2017 से पहले यहाँ सिर्फ 4 एयरपोर्ट चालू थे और अब 8 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं। तो एक सपना जिसे साकार करने की पूरी कोशिश और उसे साकार होता देखने के बाद सीएम योगी ने ये तमाम बातें साझा की, कहा कि कोरोना एक महामारी, उसके बावजूद भी काम जारी रहा जेवर एयरपोर्ट का। इससे यह एयरपोर्ट न केवल उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप देश के अंदर आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर करने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की दिशा से विगत 4 वर्ष के दौरान किए गए प्रयासों को एक नई उड़ान होगी, ना किसी विवाद की, अन्यथा ये वही क्षेत्र था जहां पे गोलियां चलती थी, न केवल कानून व्यवस्था की भीषण संकट खड़ा होता था बल्कि बड़े बड़े आंदोलन भी होते थे, लेकिन आज कितना शांतिपूर्ण तरीके से एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के वहां पर राज्य सरकार सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है, इसका उदाहरण जेवर एयरपोर्ट का आज का यह लीज एग्रीमेंट और शेयर होल्डर एग्रीमेंट
का यह कार्यक्रम जो आज संपन्न हुआ है, इस बात को प्रदर्शित करता है कि सारे कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से एक अच्छे माहौल में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को लेकर एक अहम दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अब सभी अधिकारी को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक दफ्तर में बैठना ही होगा। इसमें फील्ड में तैनात अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। इस दौरान अधिकारियों को अपने दफ्तर में बैठकर जन सुनवाई और जनता की समस्याओं का निराकरण करना होगा, जिसकी मॉनिटरिंग खुद सीएम और मुख्य सचिव कार्यालय करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मुख्य सचिव आर के तिवारी ने यह निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, सभी मंडलायुक्तों, डीएम, डीजीपी समेत तमाम विभागाध्यक्षों को इसे कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल सूत्रों के मुताबिक जनता दरबार के दौरान कई पीड़ितों ने सीएम योगी से ये शिकायत की कि अधिकारी अपने कार्यालय में मिलते ही नहीं हैं, वो बार बार चक्कर ही काटते रह जाते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, यूपी विधानसभा सचिवालय में जींस टी शर्ट पहनकर आने पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों कर्मचारियों को जींस टी शर्ट पहनने पर यह रोक लगाई गई है, किसी भी तरीके के और पोशाक को पहनकर नहीं आ सकते। विधानसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव ने यह आदेश जारी किया है। सचिवालय की गरिमा के अनुरूप ही पोशाक पहने अधिकारी और कर्मचारी, संयुक्त सचिव ने यह स्पष्ट कर दिया है। कानपुर से आई खबर का रुख करते हैं, जहां चर्चित बिकरू कांड मामले में खुशी दुबे की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। खुशी दुबे पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की पत्नी हैं। खुशी दुबे की जमानत अर्जी खारिज करने के फैसले पर कोर्ट ने अहम टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने कहा कि बिकरू कांड में खुशी दुबे पुलिस वालों को मौत के घाट उतारने वाले हमलावरों को लगातार उकसा रही थी, सक्रिय भूमिका अदा कर रही थी। कोर्ट का यह भी कहना है कि रिपोर्ट ये बताती है कि बाराबंकी के शेल्टर होम में खुशी दुबे का आचरण भी सही नहीं है। कोर्ट के मुताबिक खुशी दुबे घटना के वक्त भले नाबालिग रही हों, लेकिन वो मानसिक तौर पर फैसले लेने और अच्छा बुरा सोचने के लिए तैयार थी। ऐसे में जमानत मिलने पर वो इसका दुरुपयोग कर सकती हैं। खुशी को जमानत देना न्याय के लक्ष्य को परास्त करने जैसा है। कोर्ट ने कहा कि बिकरू कांड समाज ही नहीं बल्कि सरकार को भी दहशत में डालने वाली घटना थी। कोर्ट ने कहा कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या साधारण नहीं, जघन्य अपराध है। आपको बता दें, खुशी ने खुद को बेगुनाह और जेल में सेहत खराब होने का हवाला देकर जमानत पर रिहा किए जाने की ये अपील की थी, जिस पर यह टिप्पणी हाई कोर्ट की आई है। बात गाजियाबाद की, जहां नेशनल हाईवे NH9 पर ग्रिलिंग को लेकर ABP गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां ग्रिलिंग कर दी गई है। दरअसल हाईवे पर तेज रफ्तार वाहन गुजरते हैं, बावजूद इसके लोग दौड़कर सड़क पार करने से बाज नहीं आ रहे थे। जब इस खबर को दिखाया गया तो पुलिस अधिकारियों ने NHAI को एक खत लिखा। अब ग्रिलिंग के बाद हाईवे पर लोग सड़क पार नहीं कर सकते, अब वो जे वॉकिंग नहीं कर सकते हैं, यही मकसद था। और एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। और सेक्टर 62 पर जो नोएडा साइड से जो पब्लिक आती थी, वो पूरे डिवाइडर को कूद करके ये गाजियाबाद साइड में आते थे, तो इसमें NHIS से पत्रचार किया गया था। इस पत्रचार को लोगों ने रेलिंग लगा दिया है और इसके ये सहूलियत है कि लोग अब कूद करके नहीं आ रहे हैं, वो फुट ओवर ब्रिज से आ रहे हैं, इससे हादसों में कमी आई है।